हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल योर क्लासेस पे। आज से हम 9:30 बजे वाली क्लास में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम स्टोरी के थ्रू वोकैबुलरी को, इडियम फ्रेजेस को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे बहुत अच्छी तरह से, यानी कि एक स्टोरी के माध्यम से। आपको पता होगा, जब भी हम किसी चीज़ को किसी स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं तो वो चीज़ हमें ज़िंदगी भर के लिए याद रह पाती है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम क्लास को कैसे शुरू करेंगे। मैं आपको शुरुआत में एक हिंदी में स्टोरी बताऊँगा, उसके बाद वो स्टोरी इंग्लिश में लिख के आपके सामने आएगी, फिर वो स्टोरी इंग्लिश में लिखी होगी, उस इंग्लिश की स्टोरी में कुछ शब्द होंगे जिनका हम मीनिंग जानेंगे और उन मीनिंग्स को याद करने में आसान इसलिए रहेगा बिकॉज आपको हिंदी में वो स्टोरी पहले से पता होगी। एक छोटी स्टोरी के थ्रू हम इसको शुरू करेंगे और फिर धीरे 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 करके हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल स्टोरीज को भी आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एजेंडा क्या है इसका, इस सीरीज को शुरू करने का, कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस जो आप कभी नहीं याद रख पाते हैं, बहुत सारे होते हैं, मेनली हम उन पर फोकस करने वाले हैं और नो डाउट वोकैबुलरी के शब्द भी इसमें आते जाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी मिलेंगी वो सारी आपको योर क्लासेस के टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगी। आपको योर क्लासेस लिखना है टेलीग्राम पे और सर्च कर देना है योर क्लासेस में, जितनी भी पीडीएफ्स यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं इस पूरे चैनल पे, वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएंगी, क्लियर है। तो इसी के साथ में, अगर वीडियो पसंद आएगी लास्ट में तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि ऐसे वीडियोस को आगे और कंटिन्यू करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका सबसे पहला स्टेप लेते हैं इस वोकैबुलरी सेशन का। इस वोकैबुलरी सेशन में आपको जो काम करना है सबसे पहला वो ये है कि आपको एक हिंदी स्टोरी सुनाऊंगा और आपको लिसन यानी कि सुनना है स्टोरी को बहुत ध्यान से, ठीक है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, ऑल दो ये बहुत छोटी स्टोरी है पर फिर भी इसको ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे जो इंग्लिश में स्टोरी लिखी है वो आप बढ़िया से समझ पाएं। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। स्टोरी कहती है कि एक किसी जगह पे एक लड़की रहती थी, लड़की यानी कि उसकी एज रही होगी लगभग 20 से 22, ठीक है, यानी कि ये एक यंग गर्ल है जो किसी जगह पे रहती थी, क्लियर। दूसरी बात, फिर क्या होता है, ये एक यंग लड़की है, ये एक जगह पे रहती थी। एक दिन क्या होता है, वो जंगल जाती है, फॉरेस्ट में जाती है और क्या करती है, लकड़ियां वहां से काटती है और वापस अपने घर पे लौट रही होती है। फिर से समझिए, एक यंग लड़की होती है, वो जा रही हो, वो अपने एक जगह पे रह रही होती है। एक दिन क्या होता है, वो जंगल में जाती है, लकड़ियाँ काटती है, लकड़ियाँ काट के वो वापस अपने घर को लौट रही होती है, ठीक है। वापस घर को लौटते टाइम वो क्या सोचती है, जंगल से नहीं चलेंगे, वो पक्के रास्ते से चल के अपने घर को आती है, क्लियर है, यानी कि मेन रोड से चल के वो अपने घर को आती है। मेन रोड यहाँ पे बात हुई है, ठीक है, मेन रोड से अपने घर को आ रही होती है। एकदम से वो क्या देखती है कि वहाँ पे क्या आ गया है, एक जंगली हाथी उसको रास्ते में दिख जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो जंगली हाथी उसी की तरफ आ रहा होता है, वो क्या करती है, वो जल्दी से उस मुश्किल जो उसके सामने एक डेंजर यानी कि खतरा आया होता है उसको देखते ही वो तुरंत भाग के किसी तरह से अपने घर पे वापस आ जाती है, ठीक है। और इस तरह से फिर उसको क्या लगता है कि बाल बाल बच गए, ठीक है। जब होता है ना कि जब बहुत मुश्किल से जान फंसी होती है कहीं पर, किसी मुश्किल कंडीशन में आप आ जाते हो तो लगता है ना बाल बाल बचना, तो यही वाला कंडीशन यहाँ पर यूज़ हुआ है, बाल बाल बचना। अब देखिए ये स्टोरी कितनी आसान सी थी, अब मैंने जो भी बताया था वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा, यानी कि एक लड़की होती है 20-22 साल की, एग्जैक्टली डेट ईयर गिवन नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 20-22 साल की एक लड़की होती है, वो नॉर्मली रह रही होती है। एक दिन वो जंगल में जाती है, वहाँ से लकड़ियाँ काट के वापस आ रही होती है, रास्ते में उसको जंगली हाथी दिखता है जो उसकी साइड ही आ रहा होता है। फिर क्या होता है, वो किसी तरह से जान बचा के अपनी घर भागती है और फिर उसको लगता है कि बाल बाल बच गए, यानी कि खतरा टल गया, ठीक है। बहुत छोटी सी स्टोरी थी, चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी को कैसे इंग्लिश में प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है, एक एक वर्ड को बढ़िया से समझते चलेंगे और इसका मीनिंग अच्छे से याद करते चलेंगे, क्योंकि आपको मीनिंग खुद ही समझ में आने लगेगा बिकॉज हमने स्टोरी पहले से पढ़ रखी है। देखिए कह रहा, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ स्पिंस्टर। पहला शब्द बेटा यहाँ पे हाईलाइटेड है, ध्यान से देखिए, स्पिंस्टर का मतलब क्या होता है, यंग गर्ल, या फिर और अच्छा अगर आप इसका मतलब जानना चाहें, स्पिंस्टर का मतलब होता है बेटा अनमैरिड
अनमैरिड गर्ल या फिर लेडी, अनमैरिड गर्ल या लेडी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला यहाँ पे स्पिंस्टर है। स्पिंस्टर का मतलब ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी एक 20-22 साल की लड़की रहती है, तो 20-22 साल में यूजुअली शादी नहीं होती है, अगर हम बहुत पुराने ज़माने की बात ना करें। स्पिंस्टर क्या हो गया बेटा, एक अनमैरिड लेडी यानी कि अनमैरिड गर्ल, उसको हम स्पिंस्टर बोलते हैं, पहला शब्द हो गया। ठीक है, अब देखिए, वन डे शी वॉज गोइंग इन द वुड्स। अब आपको पता है कि वो कहाँ गई थी बेटा, एक दिन वो गई थी जंगल में, जंगल में गई थी, तो वुड्स का मतलब बेटा क्या हो गया, जंगल, समझ में आ रहा है, वुड्स का मतलब जंगल, वुड्स का मतलब आप लकड़ियां नहीं समझेंगे, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब बेटा क्या होता है, जंगल। दो शब्द हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड में किस ले गई थी बेटा, टू चॉप ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों को काटने यानी कि लकड़ियां लेने गई थी। चॉप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, चॉप ऑफ का मतलब होता है काटना, ठीक है, काटना या फिर किसी भी चीज़ को अलग कर देना उससे काट के, उसको बोलते हैं चॉप ऑफ। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, चॉप ऑफ, इसको याद रखेंगे, चॉप ऑफ का मतलब होता है बेटा काट के अलग कर देना, ठीक है, ट्रीज को काट के अलग कर देगी तो उसको लकड़ियाँ कलेक्ट करने में आसानी रहेगी। ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होता था, वो रिटर्न वापस आ रही होती थी, तो कहता है व्हाइल रिटर्निंग थ्रू अ पेव वे, कहाँ से किस रास्ते से आ रही होती है, पेव वे यानी कि आपने बात की थी सड़क से आ रही होती है, जंगल से नहीं आती है, तो पेव वे का मतलब बेटा क्या होता है, पक्का रास्ता, ठीक है, पेव वे का मतलब होता है पक्का रास्ता, ठीक है, पक्की सड़क या पक्का रास्ता को बोलते हैं पेव वे, पेव का मतलब होता है पक्का, ठीक है, वे मतलब रास्ता, तो पक्का रास्ता होता है पेव वे, बहुत यूज होता है कॉमनली, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है शी हर्ड अ ट्रम्पेटिंग साउंड, ट्रम्पेटिंग साउंड क्या होती है बेटा, देखो ट्रम्पेट होता है हाथी की बोली, ठीक है, हाथी जो बोलता है वो बेटा क्या, उस बोली को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल हमारी आवाज़ होती है, चिड़िया चर्प करती हैं, CHIRP चर्प करती हैं, है ना, चहचहाना जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हाथी की आवाज़ क्या होती है बेटा, ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेट उसको बोलते हैं, तो ट्रम्पेटिंग साउंड सुनाई पड़ी, मतलब हाथी के बोलने की, चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। शी वॉज स्टार्टल्ड टू सी दैट देयर वॉज अ जायंट मैमथ। अब अगर किसी के सामने, देखो जायंट मैमथ का मतलब पहले समझ लो, जायंट मैमथ, मैमथ होता है जंगली हाथी को हम बेटा मैमथ बोलते हैं, ठीक है, मैमथ का मतलब होता है जंगली हाथी। अब सपोज एक बात सोचो, आपके सामने एकदम से जंगली हाथी आ जाए बहुत बड़ा, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सूंड हो, तो क्या होगा, आप सरप्राइज हो जाओगे यानी कि चौंक जाओगे, तो स्टार्टल का मतलब क्या होता है बेटा, चौंकना, ठीक है, चौंकना होता है स्टार्टल का मतलब, क्लियर, तो स्टार्टल का मीनिंग हो गया चौंकना। शी वॉज स्टार्टल टू सी दैट देयर वॉज अ जायंट मैमथ, जायंट का मतलब हो गया बहुत बड़ा, और मैमथ का मतलब हो गया बेटा जंगली हाथी, ठीक है, जंगली हाथी होता है मैमथ का मतलब। एलिफेंट होते हैं नॉर्मल हाथी, जंगली हाथी जो होते हैं जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत लंबी लंबी टस्क होती है उनकी, सूंड होती है बहुत लंबी सी, और दांत होते हैं उनके, टस्क होते हैं बहुत लंबे से, ठीक है, तो उनको हम मैमथ बोलते हैं, MAMMOTH मैमथ, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो बहुत चौंक जाती है देख के कि उसको एक सामने अपने जंगली हाथी दिख जाता है, कहती है इट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स हर बट शी इवेडेड इंस्टेंटली। अब यहाँ पे लिखा है बेटा देखो हेडिंग टूवर्ड्स, हेड टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखो ये एक फ्रेज है, हेड टूवर्ड्स, हेड टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है, हेड टूवर्ड्स का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। यहाँ पे हिंदी लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पर आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, रोज अगर आप एक स्टोरी नोट करते हैं तो आपके डेवलपमेंट फ्रेजल वर्ब्स के, ईडियम्स के और वोकैबलरी के बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेडिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या है बेटा, आगे बढ़ना, क्योंकि आपको पता है हिंदी वाली स्टोरी में क्या हो रहा था, वो हाथी उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो तुरंत भागी, ठीक है। फिर क्या हुआ, हर बट शी इवेडेड इंस्टेंटली। अब देखो यहाँ पे इवेडेड लिखा है, इवेडेड का मतलब क्या होता है बेटा, इवेडेड का मतलब होता है किसी परेशानी, किसी परेशानी को देखकर, किसी परेशानी को देखकर भागना, है ना, किसी परेशानी को देखकर भागना उसको इवेडेड बोलते हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम को देखकर भागना उसको इवेडेड बोलते हैं, या फिर इवेड बोलते हैं। तो कह रहा है बट शी इवेडेड इंस्टेंटली,
उसकी तरफ वो आ रहा था, कौन, जंगली हाथी, लेकिन वो क्या की तुरंत वहाँ से भाग गई। उसको उसने देखा कि वहाँ पे जंगली हाथी उसकी तरफ आ रहा है और वो इवेड यानी कि तुरंत उस मुश्किल घड़ी को देख के भाग गई। ठीक, फिर कहता है व्हेन फाइनली शी रीच्ड बैक टू होम शी रियलाइज्ड दैट इट वाज अ वाइल्ड गूज चेस। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रेज मैंने मेंट किया था बट होपफुली ये गड़बड़ हो गया है। इट शुड बी वाइल्ड गूज चेज, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ध्यान देखेंगे एक चीज, वाइल्ड गूज चेज बेटा गड़बड़ है, इसकी जगह पे क्या लिखा था, अ नैरो एस्केप। ठीक है, अ नैरो एस्केप। अ नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया है अ नैरो narrow, नैरो एस्केप, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वाइल्ड गूज चेस का यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे अ नैरो एस्केप होना चाहिए था। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे अ नैरो एस्केप होगा। नैरो एस्केप का मतलब होता है बेटा बाल बाल बचना। ठीक है, नैरो एस्केप का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना। क्लियर है ये चीज़, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इस तरह से बेटा क्या करेंगे, आप डेली एक स्टोरी के फॉर्मेट में बहुत सारे आपको वोकैबुलरीज बताऊंगा, बहुत सारे आपको इडियम फ्रेजेस बताऊंगा, बहुत सारे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। तो ये स्टोरी आप जब दोबारा याद करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये सारे वर्ड ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। जो PDF अपलोड कराऊंगा मैं, उसमें मैं ये श्योर रखूंगा कि यहाँ पे अ नैरो एस्केप ही लिखा हुआ हो। यहाँ के लिए फिलहाल आप एडजस्ट कर लीजिए, आप वाइल्ड गूज चेस को देख के समझ लीजिए कि ये नैरो एस्केप लिखा हुआ है। जो PDF अपलोड कराने जा रहा हूँ उसमें अ नैरो एस्केप मैं डेफिनेटली चेंज करके ही अपलोड कराऊंगा, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना मिले। ठीक है, और इसका मीनिंग जानने के लिए आपको ये वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी, मे बी, अगर आप इन चीज़ों को नोट करते नहीं चलेंगे तो। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए यही स्टोरी थी हमारी। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको सिर्फ तीन काम करने हैं। पहला काम है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी वोकैबुलरी, इडियम फ्रेजेस और एंटोनिम्स सिनोनिम्स और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी से कर पाएँ। देखिए वोकैबुलरी के बहुत सारे सेशंस मिलते हैं, पर ईडियम फ्रेजेस स्टोरी के माध्यम से जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे वाली वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख पाएँ। क्लियर है, चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।